दुनिया में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। एक ऐसा ही रहस्य है साइप्रस देश का वरोशा शहर, जो कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन अब यह शहर पूरी तरह से वीरान पड़ा है। वरोशा शहर को दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट टाउन यानी कि भूतों के शहर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। इस शहर में मौजूद होटल बहुत बड़े बड़े हैं, इमारतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे, लेकिन अब यह सब खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। फमागस्ता प्रांत के वरोशा में एक छोटे से भूभाग को छोड़कर अब यहाँ के ज्यादातर बीच हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। फेंसिंग में कैद इस शहर के अंदर घुसना तो दूर की बात, बाहर से अगर किसी ने भी तस्वीर लेने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 45 साल पहले इस शहर की आबादी करीब 40,000 थी, लेकिन साल 1974 में एक डर की वजह से पूरा का पूरा शहर रातों रात खाली हो गया। इस शहर से सटे बाकी शहरों में दिन रात रौनक रहती है, लेकिन यह बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल जुलाई 1974 में तुर्की सेना ने साइप्रस पर ग्रीस राष्ट्रवादियों के तख्ता पलट के विरोध में हमला कर दिया था, जिसके बाद नरसंहार के डर से पूरा का पूरा शहर एक ही रात में खाली हो गया। यहाँ रहने वाले लोगों ने आसपास के शहरों में जाकर शरण ले ली। तुर्की के हमले की वजह से साइप्रस दो हिस्सों में बट गया, जिसका नाम ग्रीस साइप्रस और तुर्की साइप्रस हो गया। वरोशा शहर फिलहाल तुर्की सेना के कब्जे में है। यहाँ सिर्फ तुर्की की पेट्रोलिंग टीम ही आ सकती है, इसके अलावा यहाँ किसी को भी आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि रातों रात ही जब यह खाली हो गया तो उसके बाद सब ने दूसरी दूसरी जगह जाके शरण ली है। दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे इसका खास रहस्य। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।